हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा और आज मैं बनाने वाली हूं पाइज, और वो भी स्मॉल साइज में। डो बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बोल ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने 1 कप और 1/3 कप मैदा लिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लावर, 1 चम्मच आइसिंग शुगर ली है यानी बिल्कुल पिसी हुई चीनी, और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और यहाँ पर मैं करीबन 7 टेबलस्पून के करीब कोल्ड बटर यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इस बटर को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं हाथों की हेल्प से करूँगी। ये थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से पूरे आटे में मिक्स करेंगे हम, और बटर को अच्छे से हाथों से मसल मसल के और मिक्स कर लेंगे। एक क्रम्बली सा डो बन जाएगा अभी इस तरीके से। और अब मैं इसमें कोल्ड वाटर का यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 टेबलस्पून। हमें इस डो को पतला नहीं करना है, बस इतना करना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए, तो उतना ही पानी डालना है। तो ये देखिए, अभी इसका एक डो सा बन जाएगा, और ज़्यादा पानी मैंने यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच यूज़ किया है बस। और ये देखिए, इस तरीके से डो बन के हमारा रेडी हो गया है। और अब इस डो को मैं एक क्लिंग रैप में रैप कर दूंगी, क्लिंग शीट में, और तकरीबन आधा घंटे या 45 मिनट तक मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। एप्पल फिल करूंगी अपनी पाई के अंदर। तो एक छोटा एप्पल ले लिया है, और उसके मैंने छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। अच्छे से छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं एप्पल के। अब इनको मैं एक बाउल में डाल दूंगी, और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच पाउडर शुगर डाली है, यानी आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी, और 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ। सिनेमन पाउडर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो ये सिनेमन पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, और इन सबको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। इस डो से आप फुल पाई भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्मॉल पाई बना रही हूँ, क्योंकि वो एक बार में लो और खा जाओ इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारा एप्पल का मिक्सचर रेडी हो गया है, और यहाँ पर 30 मिनट के बाद मैंने अपना डो भी निकाल लिया है बाहर, और अब हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा आटा ऊपर डाल के अच्छे से, आप इसकी फुल पाई भी बना सकते हैं, जो पाई शीट होती है उसके अंदर, बट मैं स्मॉल पाई बना रही हूँ। तो इस तरह से बेल के कुकी कटर है अगर आपके पास, या कोई भी बाउल, मैं यहाँ पर ग्लास का यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से कट कर रही हूँ। और अब इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा पाई बेस एकदम रेडी हो गया है, और ये जो बचा हुआ आटा है, इसको फिर से हम बेल के उसी तरह से कट कर लेंगे राउंड शेप में। और ये देखिए, और जो हमने फिलिंग बनाई थी, अब वो हम इसके अंदर भर देंगे। और इसके ऊपर इस तरीके से फोक की हेल्प से, और हम इसमें इसको एक शेप दे देंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पाई ये बनने वाली है। और अब हम इसको 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और ये देखिए,
और इसके अंदर अब मैं ये ब्लूबेरी जैम फिल कर रही हूँ। तो कुछ हमने एप्पल पाई बनाई है और कुछ ब्लूबेरी जैम पाई, और इसको भी हम बेक कर लेंगे अच्छे से। एप्पल पाई और ब्लूबेरी पाई एकदम खाने के लिए रेडी हो गए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, दूध के साथ खाइए या आप सिंपल भी खा सकते हो, टिफ़िन में भी रख। और ये हमारी ब्लूबेरी पाई। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।